नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन लाइटिंग अरेस्टर एंड सर्ग अरेस्टर। दोस्तों, लाइटिंग अरेस्टर और सर्ग अरेस्टर दोनों में क्या अंतर है और दोनों का यूज कहाँ कहाँ पर होता है और किस कारण से इसका यूज करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में यही समझेंगे डिटेल में। और दोस्तों, यह इंटरव्यू में पूछने जाने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, ये आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा और ध्यान से सुनिएगा लाइटिंग अरेस्टर और सर्ग अरेस्टर के बारे में। दोस्तों, चलिए शुरू कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, लाइटिंग अरेस्टर और सर्ग अरेस्टर में जो सबसे बड़ी मेजर डिफरेंस होता है, लाइटिंग अरेस्टर हमेशा आउटसाइड में लगाया जाता है, ठीक है, ये कभी भी इनसाइड में नहीं लगाया जाता है। लेकिन सर्ग अरेस्टर जो होता है, ये हमेशा इनसाइड में लगाया जाता है, ये कभी भी आउटसाइड में नहीं लगाया जाता है। दोस्तों, क्योंकि लाइटिंग अरेस्टर जो भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, मॉल होते हैं, शॉपिंग मॉल होते हैं, मंदिर होते हैं, किसी भी प्रकार का बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं या फिर इमारत है, तो लाइटिंग अरेस्टर उसका हमेशा टॉप फ्लोर पर लगाया जाता है। क्योंकि आकाशीय बिजली जो होती है, अगर उस बिल्डिंग पर गिरे तो उस बिल्डिंग को किसी प्रकार की क्षति या हानि ना हो, पूरा जो आकाशीय बिजली है वो तुरंत ग्राउंड हो जाएगा। दोस्तों, होता क्या है, आकाशीय जो लाइटिंग अरेस्टर होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। दोस्तों, ऐसे ऐसे होता है, तो जो भी आकाशीय बिजली इस पर आएगा तो ये जो है ये तुरंत जमीन के साथ ग्राउंड होता है, और जो भी आकाशीय बिजली होगा तो ये आसपास के एरिया का जो भी बिजली होगा, आकाशीय बिजली, इसको ये सक करके तुरंत ग्राउंड कर देगा और जो यहाँ की बिल्डिंग है इससे बच जाएगी। अगर लाइटिंग अरेस्टर नहीं लगा हुआ है किसी बिल्डिंग में तो दोस्तों वो बिल्डिंग पूरी तरीके से तहस नहस हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। जो भी इस बिल्डिंग के अंदर आदमी रह रहे हैं या फिर मॉल किसी प्रकार का अगर बिल्डिंग है, बड़ी बिल्डिंग है, तो वो मॉल पूरी तरीके से तहस नहस हो जाएगा, दुर्घटना हो सकती है। क्योंकि जो लाइट आकाशीय बिजली होती है ये बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज होता है इसमें, और ये अनंत वोल्टेज होता है इसमें, इसका कोई भी लिमिट नहीं है कि कितना ज़्यादा आकाशीय बिजली इस पर गिर सकता है। तो इसीलिए लाइटिंग अरेस्टर लगाया जाता है। दोस्तों, लाइटिंग अरेस्टर का जो सिंबल होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। दोस्तों, ये लाइटिंग अरेस्टर का सिंबल हो गया, ठीक है। तो ये दोस्तों इसका अर्थिंग अर्थिंग स्ट्रिप हो गया और ये इसका सिंबल हो गया। दोस्तों, ये ग्राउंड किया हुआ है, तो जो भी आकाशीय बिजली इस पर गिरेगा वो ग्राउंड हो जाएगा तुरंत। अब दोस्तों, इसे हमेशा आउटसाइड में लगाया जाता है, जैसे आपके ट्रांसमिशन लाइन हो गए, आपकी जितने भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हो गया, ट्रांसमिशन लाइन हो गया, जो आगे डोमेस्टिक पोल हो गए, उन सब में लाइटिंग अरेस्टर का सबसे टॉप पे लगाया जाता है। दोस्तों, आपका डीटीआर स्ट्रक्चर जो होता है, डीटीआर स्ट्रक्चर, वो दोस्तों हमेशा उस पर टॉप फ्लोर टॉप पर डीटीआर स्ट्रक्चर के लाइटिंग अरेस्टर लगाया जाता है। वो इसीलिए ताकि जो कि आकाशीय बिजली इस पर गिरे तो वो तुरंत ख़त्म हो जाए। अब दोस्तों आता है सर्ग अरेस्टर। सर्ग अरेस्टर हमेशा दोस्तों इनसाइड में लगाया जाता है, यानी कि जो भी हमारे पैनल होते हैं इलेक्ट्रिकल के, हमारे पैनल हो गए, जो भी हमारे एक्सपेंसिव इक्विपमेंट होते हैं उनमें लगाया जाता है। जैसे कि दोस्तों हमारा एक्सपेंसिव में मतलब पीएलसी हमारा हो गया, जहाँ पर पीएलसी लगा होगा, स्काडा लगा होगा, ठीक है, स्काडा, एसएमपीएस, एमसीबी, एमपीसीबी, आरसीसीबी, जितने भी हमारे महंगे महंगे इक्विपमेंट होते हैं पैनल में लगे होते हैं, उन सब के प्रोटेक्शन के लिए सर्ग अरेस्टर लगाया जाता है। दोस्तों, उसमें होता क्या है, सर्ग अरेस्टर शॉर्ट सर्किट फ्लक्चुएशन, वोल्टेज का फ्लक्चुएशन, वोल्टेज का अप डाउन, शॉर्ट सर्किट, किसी भी प्रकार का अगर इसमें सर्ग हो रहा है, यानी कि शॉर्ट सर्किट हो रहा है, किसी भी प्रकार का अगर प्रॉब्लम हो रहा है, वोल्टेज अप डाउन हो रहा है, शॉर्ट सर्किट हो गया, स्पार्किंग हो रहा है, अगर मान लीजिए आपने एमसीबी उठाई तो उसमें स्पार्किंग हुआ, अगर कहीं पर कनेक्शन लूज भी अगर हो रखे हैं, तो यह सर्ग अरेस्टर जो होता है वो तुरंत उसको आइडेंटिफाई कर लेता है और इसको तुरंत ख़त्म कर देता है। सर्ग अरेस्टर दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे जो इलेक्ट्रिकल के पैनल होते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए। जो इलेक्ट्रिकल पैनल में जो ड्राइव लगे होते हैं वीएफडी, दोस्तों इनमें अगर ज़रा सी फ्लक्चुएशन होता है ज़्यादा, तो दोस्तों ये अगर ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो गया, सपोज मान लीजिए कि आपका जो वोल्टेज आ रहा है वो 415 वोल्ट आ रहा है, और अगर यहाँ पे 450 वोल्ट या 500 वोल्ट आ गया, तो दोस्तों उस कंडीशन में आपका ड्राइव का जो कार्ड होता है, जो उसके अंदर मोस्टपेड लगे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगे होते हैं, आईजीबीटी लगे होते हैं, वो सारे जल जाएंगे, ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि ड्राइव बहुत एक्सपेंसिव चीज़ होती है। इसीलिए पैनलों में
सर्ग अरेस्टर लगाया जाता है दोस्तों, वो आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप किसी पैनल में काम किए होंगे तो आपको सर्ग अरेस्टर आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। आप फिगर में भी देख रहे होंगे कि सर्ग अरेस्टर क्या होता है। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा, और कोई भी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट जरूर करिएगा। नमस्कार दोस्तों।